नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज बताने वाला हूँ मैं IRCTC रियल कनेक्ट का जो मोबाइल ऐप है वो अपडेट अगर आप करते हैं तो आपको बहुत सारे फैसिलिटी मिलने वाली है और टिकट बुकिंग में बहुत ही आसान होने वाला है। तो ये देखिए मेरा IRCTC अपडेट है जो मैं इसे अपडेट करने वाला हूँ, और अपडेट करने के बाद इसमें कौन सी और खासियत ऐड किया है IRCTC ने वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये अपडेट हो रहा है, तब तक मैं वीडियो को थोड़ा रोक देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर अपडेट हो चुका है और मैं इसे ओपन करता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसमें IRCTC ने क्या क्या इसमें और नए नए चीज़ ऐड किया है जो आपको टिकट बुकिंग करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पासवर्ड डालूँगा और मैं पासवर्ड डालता हूँ, अभी दिखाना नहीं है। दोस्तों मैंने लॉगिन कर लिया है और यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है, अभी खुल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो इंटरफेस है बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इसमें कुछ नया चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अब मैंने यहाँ से कुछ स्टेशन डाला है और यहाँ पे कोई डेट मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से कोई से भी डेट सिलेक्ट जब मैं कर लेता हूँ यहाँ पर और जब सर्च करता हूँ तो यहाँ पर देखिए कुछ नए नए फीचर्स। देखिए यहाँ पर राइट साइड में ये जो फीचर्स है ये पहले नहीं था, ये आप देख सकते हैं ये पहले नहीं था। ये दो फीचर्स इसमें हैं, ये जो मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, तो इसका मतलब है कि कौन कौन से दिन गाड़ी चलती है कौन से दिन नहीं चलती, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे एक ट्रेन का एक सिंबल जो है दिखाई दे रहा है, वहाँ पे जब आप टच करेंगे उसके ऊपर तो यहाँ पे आपको रूट दिखाई देगा कि ट्रेन किस रूट से आती है, किस स्टेशन से आ रही है जा रही है। तो ये आपको बहुत आसान हो जाएगा कि तुरंत किस तरह से हम देख सकें और फिर हम टिकट बुक कर सकें। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक ही दिन गाड़ी चलती है फ्राइडे को, यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्राइडे को गाड़ी चलती है, तो सॉरी एफ पे ये हाईलाइटेड है, मतलब एक ही दिन हफ्ते में एक दिन चलती है। तो इसी तरह से ये दो नए अपडेट है और भी है। देखिए जगह अगर मैं किसी ट्रेन के अंदर जाता हूँ, मान लो ये एक्सप्रेस है, इसमें स्लीपर क्लास में चेक करता हूँ बुकिंग के लिए, तो यहाँ पर देखिए ये बुकिंग फेयर जो यहाँ पर लिख के आ रहा है, पहले लिख के आ रहा था, पहले यहाँ पे बुकिंग फेयर लिख के तो आ रहा था, लेकिन शायद में जो ये गोल सा बटन देख सकते हैं आप उसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे जब आप टच करते हैं गोल बटन के ऊपर तो यहाँ पर देखिए इसका फेयर कितना है, बेस फेयर कितना है, रिजर्वेशन चार्जेस कितना है, सुपर फास्ट चार्जेस कितना लग रहा है, GST कैटरिंग चार्जेस, ये सारा चीज़ आपको ऐप्स के अंदर ही मिल जाएगा, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये जो नया नया अपडेट IRCTC ने किया है इससे बहुत फ़ायदा ही हो रहा है, क्योंकि पहले हम बुक करते थे तो ट्रेन के रूट देखने के लिए काफ़ी सारे दिक्कतें होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे अपडेट के बाद बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे नया नया एडिट हुआ है। तो लोअर बस सीनियर सिटीजन ये तो आपको पता ही है, इसमें भी आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए अगर आपके पास, अभी मेरे पास कोई टिकट बुक नहीं है तो मैं दिखा देता, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं बुक अब कैंसिल कैब ऑप्शन है और उसके नीचे बुक कैंसिल मेल ऑप्शन, ये न्यू ऑप्शन है। कैब बुकिंग का मतलब है कि आप इसे ऐप्स के अंदर से ओला कैब वगैरह बुक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो दिखा रहा है नायक कन्फर्ज इंदिरापुरम गाजियाबाद मेरे स्टेशन दिखा रहा है, जहाँ पे मैं अभी हूँ लोकेशन दिखा रहा है। अगर मुझे यहाँ से कहीं जाना है, मान लीजिए मुझे यहाँ से यहाँ पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, मुझे यहाँ पर जाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बुकिंग है, देखो ऑटो भी है यहाँ पे चलती है, ऑटो 70 रुपये दिखा रहा है, 186 तक, छोटी गाड़ी दिखा रहा है जो 2-3 लोगों का है, मिनी गाड़ी दिखा रहा है, शेयरिंग दिखा रहा है, बाइक भी है 161 रुपये का, तो इससे अच्छा तो ऑटो में चले जाए। तो ये सारे चीज़ यहाँ से दिखा रहा है, आप यहाँ से डायरेक्ट बुक कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से बुक कुछ नहीं करूँगा क्योंकि कैंसिल मुझे करना नहीं है। और यहाँ पर रेंटल भी यहाँ पर आपको मिल जाती है, जो IRCTC ऐप्स के अंदर ये बहुत सारे फैसिलिटी दिया हुआ है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस फैसिलिटी को देखने के बाद। और यहाँ पे एक तीसरा ऑप्शन यहाँ पे देखिए व्हेन जो है नाउ जो यहाँ पे लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको आज ही नहीं जाना है, बाद में कभी जाना है, तो यहाँ से आप डेट वाइज यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। शेड्यूल फॉर लेटर जब टच करेंगे तो यहाँ पर ये दिन बताएगा कौन सा दिन आपको जाना है और कौन सा टाइम आपको जाना है, उस टाइम को आप यहाँ से मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं, हर 15 मिनट बाद में ये दिखा देता है। ठीक है, तो इसी तरह से आप IRCTC ऐप्स को अपडेट करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नए नए फैसिलिटीज़ आप यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से अपना IRCTC ऐप्स को अपडेट कर लीजिए और इन सारे फैसिलिटीज़ का लाभ उठाइए। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक जो नए हैं और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, और साथ में घंटी बटन को भी दबा दीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो ऐसे मज़ेदार वीडियो मैं लाता रहूँगा, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।